हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो हमारी रिलेटेड है इंडियन रेलवेज से। कंपैरिजन हम लगातार इंडियन रेलवेज का करते आ रहे हैं अलग अलग वीडियोस में, और उन्हीं वीडियोस में मैंने कई बार आपको इंडियन रेलवेज के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जैसे मिशन रफ्तार, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टेशन रीडेवलपमेंट, बुलेट ट्रेन, कई चीजों के बारे में बताया है। लेकिन बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और फ्रेट कॉरिडोर सिर्फ ये ही दोनों ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनके बारे में हमें डिटेल में बात करने का वीडियोस में मौका मिला है। इसके अलावा और कोई भी इंडियन रेलवेज का फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं है जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की हो, इसलिए आज की ये वीडियो वो सभी प्रोजेक्ट्स को डिटेल में कवर करेगी। आखिर क्यों हम डीजल ट्रेन होने के बावजूद रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, डीजल इंजन का इस इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद क्या होगा, मिशन रफ्तार आखिरकार डिटेल में है क्या, ऐसे ही कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं उसी टॉपिक से जिसको मैंने सबसे पहले बोला था, यानी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। तो पहला क्वेश्चन, हमें इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत क्या है? तो एक तो आंसर ये हो सकता है कि कब तक डीजल ट्रेन ही यूज करेंगे, इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन मस्त लगती हैं। लेकिन मस्त लगने के साथ साथ अगर हम रेलवे के सिस्टम को इलेक्ट्रिफाई कर लेते हैं तो ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी होता है, पहला। दूसरा, किसी भी तरह का कोई भी एमिशन या पोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन के थ्रू नहीं होता है। और तीसरा, इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होती है, यानी रेलवे को ट्रेन को चलाने के लिए कम पैसा लगाना पड़ता है। और इन सब फायदों को देखते हुए इंडियन रेलवे ये ठान चुकी है कि फ्यूचर में ट्रेन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेंगी, और इसीलिए हम इस प्रोजेक्ट को बोल रहे हैं 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी इंडियन रेलवेज अपने पूरे सिस्टम लेंथ को इलेक्ट्रिफाई करने जा रही है ताकि हम हर जगह इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चला सके। नाउ एक क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के दिमाग में आए, वो ये कि इंडियन रेलवे का ट्रैक तो बहुत अलग अलग जगहों से होता हुआ निकलता है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और रेलवे ट्रैक्स एक बड़ी सिटी जैसे दिल्ली मुंबई से भी निकलेगा, साथ ही हमारे कई नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडिया के पहाड़ी इलाकों से भी होता हुआ जाता है। तो फिर क्या इंडियन रेलवे के लिए इतने एक्सट्रीम टेरेन से जाने वाले रेलवे ट्रैक्स में इलेक्ट्रिफिकेशन करना आसान रहेगा? देखिए, पॉसिबल तो बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अगर हम वहां पर ट्रैक्स बना सकते हैं तो इलेक्ट्रिफिकेशन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन करने का एक कारण यह भी है कि कॉस्ट कम होती है। तो एक कारण यह भी है कि फ्यूचर के लिए हम लोग रेलवेज को पोल्यूशन लेस बना सकें। और इसके लिए इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ एक और चीज को कंसिडर कर रही है, और ये होने वाली है हाइड्रोजन ट्रेन। नंबर दो के लिए हम लोग हाइड्रोजन ट्रेन की ही बात करेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन ही बेसिकली फ्यूल होता है जो की ट्रेन इस्तेमाल में लेती है चलने के लिए। और ये बाकी फ्यूल से अलग कैसे होता है? वो इस तरह से क्योंकि ये क्लीन फ्यूल होता है, यानी इससे पोल्यूशन नहीं होता। मतलब इसका सिंपल सा है कि अगर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन्स को हम लोग इंडियन रेलवेज में भी चलाएं तो उससे भी पोल्यूशन नहीं होगा, यानी हाइड्रोजन ट्रेन्स को भी हम लोग फ्यूचर के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और ये चीज हमारी इंडियन रेलवेज भी बहुत अच्छे से जानती है। पिछले साल के अगस्त का ये न्यूज आर्टिकल है जिसमें लिखा है रेलवेज इनवाइट्स बिड्स फॉर इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। हरियाणा में सोनीपत जिंद का एक रेलवे सेक्शन पड़ता है, इसे ही सबसे पहले कंसिडर किया जा रहा है हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने के लिए। और ये प्रोजेक्ट फ्यूचरिस्टिक इसलिए भी है क्योंकि बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज हैं जो आज हाइड्रोजन जैसे फ्यूल पे ट्रेन को चला रही हैं। काफी डेवलप्ड सिटीज में इलेक्ट्रिफिकेशन ही लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो फिर कई कंट्रीज में हालात रेलवे के ऐसे हैं कि नॉर्मल रेलवे को ही संभालना वहाँ पर मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे इनोवेशन की वहाँ पर कोई जगह मिलती नहीं है। जर्मनी पोलैंड जैसे ही कुछ गिने चुने नेशंस हैं जो कि हाइड्रोजन ट्रेन को यूज कर रहे हैं, और बहुत चांसेस हैं कि फ्यूचर में इंडिया इनकी लिस्ट में एक और मेंबर बनकर जुड़ जाएगा। चलिए अभी अगर अगले चल रहे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये है मिशन रफ्तार। तो इसके नाम से ही थोड़ा बहुत तो आपको भी इसके बारे में पता चल गया होगा। 2016 से ही ये प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था जिसमें मेन चीज ये थी कि पैसेंजर और फ्रेट दोनों तरह की ट्रेन्स की मैक्सिमम और एवरेज दोनों तरह की स्पीड को बढ़ाने की बात की गई थी। और ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस प्रोजेक्ट की जरूरत हमें काफी ज्यादा थी, क्योंकि जहां कुछ समय पहले तक पूरी दुनिया में रेलवेज के मामले में स्पीड से एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ लगी थी, वहीं इंडियन रेलवेज में ट्रेन्स बैलगाड़ियों की रफ्तार से ही दौड़ती थी। इस प्रोजेक्ट के तहत ही इंडियन रेलवेज दिल्ली
दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई जो ये दो बहुत ही बड़े रूट्स हैं, इनमें ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला पाएगी। उसके अलावा कुछ छोटे सेक्शंस हैं जिनमें 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड रेलवे छू पाएगी। लेकिन इसके लिए मेन चीज ये है कि रेलवे को काम काफी हद तक इसमें करना पड़ेगा, जिसमें जमीनी काम रेलवे ने शुरू कर भी दिया है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा वाले सेक्शन में ओवरहेड वायरिंग के रिन्यूअल का काम शुरू हो गया है। साथ ही ट्रैक्स के दोनों तरफ फेंसिंग भी की जा रही है, ताकि जो इंडिया में वो सुपरमैन जैसे लोग होते हैं जो सिर्फ ट्रैक्स को पार करके ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं, वो फेंसिंग को क्रॉस कर रेलवे ट्रैक तक ना जा पाए। क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार तभी पकड़ पाएगी जब लोको पायलट को ये अश्योरिटी रहेगी कि आगे पूरा पूरा ट्रैक क्लियर है। और वैसे ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये तो ठीक है कि कंट्री के अंदर हम लोग हाई स्पीड रेलवे को ला रहे हैं कुछ सेक्शन में, लेकिन वो सेक्शन जहां ऑलरेडी ही आज एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ट्रेवल करती है, उन सेक्शन के अपग्रेडेशन भी बहुत जरूरी है। और इस तरह के अपग्रेडेशन बहुत हद तक लोगों और रेलवे को भी फ्यूचर में काफी मदद करेंगे। चलिए, अपग्रेडेशन या रीडेवलपमेंट की बात कर ही रहे हैं, तो हमारे रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन की भी बात कर लेते हैं। ये हमारा अगला प्रोजेक्ट होगा जो कि इंडियन रेलवे इस वक्त पूरा कर रही है, और वैसे ये मेरे खुद के फेवरेट प्रोजेक्ट्स में से भी एक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे के उस स्टीरियोटिपिकल इमेज को तोड़ने में बहुत मदद कर रहा है जो आज से 8 से 10 साल पहले हम सब लोगों के लिए कॉमन थी। और आज से 10 साल पहले भी मैंने वैसे ज्यादा ही बोल दिया, आज से 5 से 6 साल पहले भी अगर कोई आपको इंडियन रेलवे के स्टेशन के बारे में पूछता था तो एक इमेज सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करती थी, जिसमें एक गंदा सा स्टेशन हो, हर जगह कचरा पड़ा हो, कुछ लोग बेचारे 24 घंटे से अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, लेकिन ट्रेन तो क्या, ट्रेन की कोई खबर भी ना आई हो। और आज वही रेलवे स्टेशन प्राउडली अपने कल्चर और बदलते हुए भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थैंक्स टू इंडियन रेलवे जिनकी मेहनत से आज इंडिया में बहुत सारे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। और सिर्फ रीडेवलप कर बाहर से सुंदर ही नहीं बनाया जा रहा, बल्कि काफी बारीक की चीजों का भी ध्यान रखा जा रहा है। रीडेवलप्ड स्टेशन में आपको सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड मिलेंगे, जिनकी क्लीन एनर्जी से स्टेशन में कई सारी चीजों को ऑपरेट किया जा रहा है। गांधीनगर स्टेशन याद है आपको, स्टेशन तो रीडेवलप किया ही गया था, साथ में स्टेशन के ऊपर एक होटल भी शुरू कर दिया गया है, मतलब बिजनेस बढ़ाना भी पक्का आता है इन लोगों को। खैर, मेरे लिए इंडियन रेलवे के ये सबसे बेहतरीन स्टेप्स में से एक है, क्योंकि सिर्फ इंडियन ही नहीं, कोई भी अगर इंडिया में सबसे पहले हमारे रेलवे में ट्रेवल करने के लिए आता है तो सबसे पहले हमारे रेलवे स्टेशन ही उसका स्वागत करते हैं। और एटलीस्ट अब देर से ही सही, लेकिन रेलवे की मेहनत की बदौलत हमारे पास आज अब ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो अगर आपका स्वागत करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अभी चलेंगे अगले प्रोजेक्ट की तरफ, और ये है चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट। नॉर्थ ईस्ट में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। ये एक ट्विन रेलवे लाइन है जो कि चारों धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को कनेक्ट करेगी। लेकिन चारों धामों को कनेक्ट करने के साथ साथ उत्तराखंड में होने की वजह से ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीट होने के बाद इंडो चाइना बॉर्डर हमारी रेलवे से और ज्यादा नजदीक आ जाएगा, यानी कि मिलिट्री इक्विपमेंट हो चाहे फूड सप्लाई, हर चीज को वहां तक पहुंचाने में हमें आसानी रहेगी। टोटल 327 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट होगा, लेकिन एक चीज जरूर है कि प्रोजेक्ट उतना ही चैलेंजिंग भी होने वाला है। पहाड़ों को काट कर खुद के लिए रास्ता बनाना और पहाड़ों को खोद कर इतनी ऊंचाई पर बहुत सारे टनल्स और ब्रिजेस को बनाना इंडियन रेलवे के लिए चैलेंजिंग जरूर रहने वाला है। अभी तक थोड़ा बहुत काम भी वैसे इस प्रोजेक्ट में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें काम एक्चुअली में रेलवे तो थोड़ा थोड़ा करके ही कंप्लीट कर रही है, लेकिन एक बार कंप्लीट होने के बाद कनेक्टिविटी को भी ये प्रोजेक्ट अच्छा बनाएगा। साथ ही चारों धामों तक जाने के लिए भी पूरे इंडिया से कहीं से भी आपको रेलवे का फायदा भी मिल जाएगा। बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी इस वक्त इंडियन रेलवे काफी अच्छा काम कर रही है। अभी वीडियो बना ही रहा हूं तो आपको इसका भी अपडेट दे देता हूं कि इसी महीने अब 75 साल बाद पहली गुड्स ट्रेन हमारे मणिपुर स्टेट तक पहुंची है। जी हाँ, 75 साल लग गए हमको इस चीज को अचीव करने में। नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन पिछले कुछ सालों में इंडियन रेलवे द्वारा देखने को मिला है, और ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। सारे नॉर्थ ईस्टर्न कैपिटल्स भी इंडियन रेलवे से जल्द ही डायरेक्टली कनेक्ट होने जा रही है, और जो हम लोग पास्ट में सुनते आ रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, अब लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को वो कनेक्टिविटी मिल रही है जिसके लिए वो हमेशा से हकदार थे। और फ्यूचर में भी उम्मीद जरूर है कि इंडियन रेलवे इसको और ज्यादा बेहतर ही बनाएगी।
इसके अलावा मैं एक और प्रोजेक्ट को इंक्लूड करना चाहता था, लेकिन वो आपको हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बता दिया तो उसी में इंक्लूड हो ही गया, जिसमें इंडियन रेलवेज काम कर रही है ग्रीन रेलवेज बनने की तरफ, ताकि पोल्यूशन और कार्बन एमिशन रेलवेज से बिल्कुल खत्म किया जा सके आने वाले फ्यूचर में। तो शायद ये पूछने की जरूरत तो नहीं बनती है, लेकिन आपको भी इंडियन रेलवेज में फर्क तो जरूर दिख रहा होगा पिछले कुछ सालों के मुकाबले। इसके बारे में आप अगर और कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।